इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 मोदी सोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ मोदी सोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ नंगा बिल्ला होश में आओ होश में आओ होश में आओ मैं कली कली में सो रहे हैं मोदी सो रहे कली कली में सो रहे हैं मोदी सो रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्मेशन, मैं हूं आपके साथ नृतम। कांग्रेस पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी के जो बैंक अकाउंट थे वे सारे अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। इसके विरुद्ध में आज पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रदर्शन कर रही है। आप तस्वीर देख रहे हैं कि पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की तस्वीर है, जहाँ कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो कार्यकर्ता हैं वो पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर जुट गए हैं और वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास भी करेंगे, उनसे बात करेंगे, क्या मामला है। अगर आप लोग देखिए, मामला ये है कि मोदी सरकार डर चुकी है, उनको पता है कि अभी 2024 में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, जमानत जब्त होने वाला है पूरे देश में, इसलिए वो तरह तरह का काम कर रही है। जैसे हमारे जो कांग्रेस पार्टी का खाता है वो सारा सीज कर दी है। क्यों कर दी है भाई, इतना डर क्या? तो इसलिए डर है कि वो बेरोजगारी पे काम नहीं की, वो महंगाई पे काम नहीं की, अब सिर्फ विपक्ष को डरा के धमका के और तरह तरह से विपक्ष को प्रताड़ित कर रही है, उसी के विरोध में हम लोग उतरे हुए रोड पे। कांग्रेस पार्टी पूरे जो कार्यकर्ता है, नेता है, सब यहाँ पर जुट गए हैं, क्या मामला है, आप लोग आज सड़क पर उतर गए हैं। देश भर में जिस प्रकार से अराजकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, चाहे किसानों के साथ हो या अन्य विपक्षी दलों के साथ हो, जिस प्रकार से इलेक्ट्रल बॉन्ड पे इन्होंने कानून बना के चंदा को गोपनीय रखने का प्रयास किया गया था, उस समय से राहुल गांधी जी बोल रहे थे क्यों चंदा को गोपनीय रखा जाए, आप हमें चंदा दो हम आपको धंधा देंगे। नरेंद्र मोदी के इस योजना का उजागर सुप्रीम कोर्ट ने किया और इलेक्ट्रल बॉन्ड को उन्होंने खारिज किया। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस बीच में उनको कितना चंदा मिला और चंदा जिससे लिए उनको कितना का धंधा दिए, इसकी जांच हो। इसके कारण देश भर में आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है, जो किन किन उद्योगपतियों से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला और उस लाभ के बदले भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहां कहां ठिका दिया है, कौन कौन सी संपत्ति बेची है, जिनसे चंदा लिए हैं उनको ट्रेन बेचे हैं, प्लेन बेचे हैं, एयरपोर्ट बेचे हैं, BSNL बेचे हैं, इन सबों की जांच हो। इस उद्देश्य के साथ देश भर में कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पे है। आपके पार्टी के बैंक अकाउंट का सीज क्यों किया गया? जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके इलेक्टर बॉन्ड के फैसले को निरस्त किया, तब उन्होंने माइंड डाइवर्ट करने के लिए उस पर रोक लगाई। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार, शकील अहमद खान है, क्या मामला है, आप लोग आज सड़कों पर उतर गए हैं। हर रोज मामला है, भाजपा ने जिस स्थिति में देश की जनता को पहुंचाया है, देश की कठिनाई बढ़ाई है, देश की जनता को परेशान किया है, देश की जनता को कंगाल किया है, तो इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, कनिष्ठ नेतृत्व, प्रदेश का, जिला का सब प्रदर्शन में है। क्या कारण है कि आप लोग के पार्टी के बैंक अकाउंट को सीज किया गया? क्योंकि डर गई है सरकार, हमारा जेन्युइन पैसा को भी रोक दिया गया और इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए वसूल लिया, अमीरों से पैसा लिया, अमीरों का अनअकाउंटेड मनी लिया, तो पूरी मनी लॉन्ड्रिंग की व्यवस्था में सरकार लगी हुई है खुद से, इसलिए इसके खिलाफ प्रदर्शन। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं, और भी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं, इनकम टैक्स चौराहे की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया है। और क्या है, अपना अकाउंट देखे ना, जानना सही है उनकी, वो हमारे नेता आदरणीय सम्मानित राहुल गांधी जी की यात्रा से वो इतने नर्वस हुए, इतने घबराए हुए हैं कि कुछ से कुछ गुफा छोड़ते रहते हैं। और क्या, आप लोगों के खिलाफ लगातार ईडी, CBI और तो आपको बैंक अकाउंट को भी सीज कर दिया गया है। बस यही मैं बोलूंगी कि किस तरह से मोदी जी घबराए हैं कि देखिए जहां उनकी आ रही है, यात्रा आ रही है, उस मतलब स्टेट को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। बिहार को उन्होंने डिस्टर्ब किया, 27 तारीख को राहुल जी आने वाले थे, 27 तारीख को उन्होंने डिस्टर्ब किया, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह से राहुल गांधी को लोगों का अपार समर्थन और अपार प्यार मिला,
झारखंड में डिस्टर्ब किया, हर जगह डिस्टर्ब किया, लेकिन कैसे लोग जनता का प्यार उनके साथ है। लेकिन ये तानाशाह जिस तरह से कर रही है, जिस तरह से अकाउंट को फ्रीज कर रही है, ये तो बिल्कुल पूरी तरह से आप राजतंत्र लाना चाहते हैं। आप तो लोकतंत्र की कोई मतलब रही नहीं गई बात, आप तो सारी लोकतंत्र की हदें खत्म करना चाह रहे हैं और तानाशाह हिटलर के तानाशाह की तरह सरकार चलाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए तो कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं किया जा रहा है? ये तो मोदी जी अच्छे से बता सकते हैं, अगर आप उनसे जाके पूछेंगे तो वो बताएंगे और वही रोना ही गाएंगे। कभी भी उनको देखिएगा जनता के हित में क्या उन्होंने बात किया। अभी जो महंगाई बेरोजगारी चल रही है उसके हित में कभी वो बात करते हैं? कुछ भी नहीं करते। अकाउंट फ्रीज कर दिया, फ्रीज करने से क्या होगा? पार्टी हार थोड़े मानेगी और हम लोग हारे थोड़े हैं। आप तानाशाही रवैया अपना रहे हैं तो उससे हम लोग डरे नहीं और ना डरेंगे। आप लोग डरे हुए नहीं है और मोदी करने जो सही रहता है उसी के पीछे लोग मतलब ज्यादा कार्रवाई भी करते हैं। हर बार आप कांग्रेस कांग्रेस नाम जपते रहते हैं, इतना डर है इसलिए तो जपते रहते हैं। नहीं तो अपना काम देखिए ना, लोगों के भविष्य को संवारने में लगाइए ना। जो जनता आपको उस कुर्सी पे बैठाया है तो उसका आप मान सम्मान रखिए। अपनी गरिमा को क्यों धूमिल किए चले जा रहे हैं? जो प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है उसको धूमिल क्यों कर रहे हैं? ये सवाल आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए। लगातार महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगार होते जा रहे हैं लोग। आप सरकार में आने के लिए कुछ भी नहीं देखते हैं। जब मन किया कभी कोई घटना आपके उनके अनुसार घटनाएं होती हैं, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, उनके अनुसार घटनाएं होती हैं। ये नहीं कि घटनाएं अपने आप होती है। जब भी चुनाव नज़दीक आता है उन्हीं के इशारे पे ही सारा कुछ होता है। तो आप देख रहे हैं कि तस्वीर किस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर बैंक अकाउंट जो कांग्रेस पार्टी के सीज किए गए हैं उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।